Hello everyone, welcome to your channel Learn with Smile by Disha. In the previous video you have learned about function of leaves. In today's video you are going to learn about modification of leaves. So in the word modification, what do we understand? Means what is the meaning of this word modification? So usually modification means a change in somebody or something. And what is the meaning of modification in leaves?

ये जो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जहाँ लीव्स ऐसे मॉडिफाइड होते हैं कि उन्हें कुछ स्पेशल फंक्शंस करना पड़ता है अदर द नॉर्मल वंस जैसे नॉर्मल वंस ये जो में प्रोसेस बोल रहे थे फोटोसिंथेसिस ट्रांसपीरेशन ये सब प्रोसेस फंक्शंस करते हैं लेकिन ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जहाँ लीव्स ऐसे मॉडिफाइड होते हैं कि इन फोटोसिंथेसिस ट्रांसपीरेशन की जगह वो और कुछ स्पेशल फंक्शंस करते हैं जैसे कि सपोर्ट प्रोटेक्शन स्टोरेज ट्रैपिन इंसेक्ट्स तो आप तो देख सकते हैं कि नॉर्मल लीव्स में क्या आ, कभी भी हो सकता है कि एक प्लांट इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उन्हें मार सकता है नहीं लेकिन अगर इन प्लांट्स में देखा जाए तो ये कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स है जहां ऐसे प्लांट्स है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उन्हें मारते हैं लेकिन ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो ये इंसेक्ट्स को मार के मीन्स अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ही उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो ऐसे भी कुछ प्लांट्स है वे लीव्स गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन अदर दैन द नॉर्मल वंस सच एस फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपीरेशन फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लीव टेंड्रिल्स इन वीक स्टेम्प्ट प्लांट्स वीक स्टेम मतलब ऐसे कुछ प्लांट्स है जो मीन्स अपने आप पर ग्रो नहीं कर सकते ऐसे भी तो आप जो जानते ही होंगे कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स है जैसे मनी प्लांट और ये सब जिन्हें सपोर्ट चाहिए वो अपने आप पर सीधा ऐसे ग्रो नहीं कर सकते तो इसीलिए वो कॉयल करके किसी ना किसी एक ऑब्जेक्ट पास वाले ऑब्जेक्ट की सपोर्ट लेते हैं सो so इसे वीक स्टेम्प्ट प्लांट्स कहा जाता है सो इन दीज वीक स्टेम प्लांट्स leaf or a part of leaf gets modified into green thread like structures called tendrils and tendrils provide support for the plants example of tendril plants are pea and grapevine to ye kya hai main aapko abhi samjhati hu yahan aap dekh sakte hai ek pea plant ka example hai yahan grapevine plant ka ये जो टी प्लांट pea plant का जो example है यहाँ देखिए यहाँ आप कुछ कॉयल स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं ऐसा कुछ ऐसा 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 करके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं ये जो है ना ये सब टेंडल्स है ये प्लांट्स क्या करते हैं जब भी ये ग्रो करते हैं ये अपने पास वाले ऑब्जेक्ट के सपोर्ट से वो लोग ग्रो करते हैं तो ये सब टेंडल्स पास वाली चीज की सपोर्ट लेकर ग्रो करते हैं और कुछ एग्जाम्पल है पी ग्रेव बाइन में भी आप ये देख सकते हैं कुछ कुछ ट्रेंडल्स है अगर आप ग्रेव बाइन को देखेंगे सो so, ये टेंडल्स का मेन जॉब है कि वो अपने प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करे ओके नाउ क्या होता है यू सी इन लीव ऑफ सर्टन प्लांट बिकम वोली और पार्टी मोडिफाइड फॉर डिफेंसिव पर्पज इन टू शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर स्पाइन तो ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे की कैक्टस तो ये सब क्या होता है ना ये लोग ऐसे पर्पज के लिए ग्रो करते हैं जैसे आ, कुछ कुछ प्लांट्स कैक्टस ओपेंशिया होते हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ यहाँ यहाँ दो पिक्चर्स दिए गए हैं एक है ये वाला है ओपेंशिया का ये वाला है कैक्टस का यहाँ कैक्टस में देखिए कुछ छोटे छोटे स्पाइन आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके स्पाइन ये सब जो स्पाइन ग्रो की है ये देखिए ये सब स्पाइन देखिए ये सब देख सकते हैं यहाँ ओपेंशिया में देखिए ये सब स्पाइन देख पा रहे हैं ये जो तो स्पाइन है ना हम नॉर्मली अपने डिफेंस के लिए ये सब प्लांट्स ऐसे स्पाइन ग्रो करते हैं और ये सब स्पाइन एक्चुअली लीव्स है देखने के लिए तो ये लगते हैं ये स्पाइन लीव तो हो नहीं सकते लेकिन ये एक्चुअली लीव है जो ऐसे मॉडिफाइड हो गए हैं स्पाइन में और ये स्पाइन डिफेंसिव अपने आप को सुरक्षा देने के लिए प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है जैसे कि अगर आप कोई मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूम और अदर क्रिएचर्स मतलब बहुत सारे क्रिएचर्स को प्लांट्स भी तो खा लेते हैं ना तो अब जब ये ग्रो करेंगे ना इन प्लांट्स में ये Spines. तब कोई भी एनिमल या ह्यूमन उन्हें टच तो नहीं कर सकता में हम जब हाथ देते हैं तो ये सब ऐसे ग्रो करते हैं देखिए सब तो है। स्पाइन ग्रो करते हैं बहुत शार्प और पॉइंटेड स्ट्रक्चर यह सब लीव स्पाइन इसीलिए ग्रो करते हैं प्रोटेक्शन के लिए Next, scale leaves. Scale leaves, uh, क्या होता है न स्टोर फूड एंड वॉटर फॉर एग्जाम्पल इन ओनियन द स्के प्रोटेक्ट द टर्मिनल बर्ड एंड स्टोर फूड एंड वॉटर यहाँ देखे ओनियन का पिक्चर करते हैं और ओनियन में ये जो टर्मिनल बर्ड है ये देखिए ये वाला टर्मिनल बर्ड है ये स्के लीव किसे प्रोटेक्ट करते हैं इन ओनियन में इन ओनियन में ये स्केलीव्स ये टर्मिनल बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं और साइड में ये सब फूड और वाटर को भी प्रोटेक्ट तो स्टोर करते हैं फूड एंड वाटर मतलब क्योंकि तीन जॉब्स है फर्स्टली टर्मिनल बर्ड सब प्रोटेक्ट करना है एंड देन स्टोर फूड एंड वाटर तो वही स्टोर जो फूड एंड वाटर करते हैं वही खाना हम खाते हैं जो ऑनियन के स्के जगह है ना वही हम लोग खाते हैं ओके सो so, इसीलिए वो लोग नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो इनसे कैचिंग लीव्स इनसे कैचिंग लीव्स से हम इसे किलर प्लांट्स भी कह सकते।, मतलब, सकते हैं मतलब इनसे कैचिंग लीव्स को हम कह सकते हैं किलर प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कह सकते हैं कार्निवरस प्लांट्स तो ये सब ना बहुत रेयर होते हैं क्यों होते हैं क्यों ना हमारे जो प्लांट्स है वो तो कभी इंसेक्ट कैच नहीं करते लेकिन ऐसे भी कुछ कुछ प्लांट्स है जो इंसेक्टिवोरस है मत, ये सब जो है ना अपने खाना डिपेंड करते हैं ये एनिमल्स पर जैसे छोटे छोटे कीड़े मकौड़े जो होते हैं ना उन पर वो डिपेंड करते हैं वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनके नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं क्यों इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स द लीव्स आर स्पेशली मॉडिफाइड टू कैच एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू फुलफिल द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट मतलब जहाँ जहाँ ये प्लांट्स ग्रो करते हैं ना हो सकता है वहाँ नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है और प्लांट्स को तो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट चाहिए ही तो जाँ जाँ है तो इसीलिए जहाँ जहाँ ये प्लांट्स है वहाँ वो लोग क्या करते हैं ना ये ऐसे मॉडिफाइड है कि वो जो इंसेक्ट्स है उनके तौर में बहुत अट्रैक्ट होता है जब वो आते हैं वो उसे कैच कर लेते हैं कुछ प्रोसेस में अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में और फिर उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं और ये जब डाइजेस्ट करते हैं ना जो इंसेक्ट्स के जो नाइट्रोजन होता है उसे वो आ, अपने ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ये जो है ये इंसेक्ट्स उनका नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो समेप्टन आर लीफ पिचर या पिचर प्लांट एंड ब्लायर हैंग इन शेब्ड लीव्स ग्रो इन प्लेसेज विथ न्यूट्रिय डेफिशियंट सॉइल्स तो हमारा पिक्चर वर्ड से तो आप जाग सकते कि पिक्चर क्या होता है ये हमारा पिक्चर है ये देखिए ये हमारा कुछ ऐसा है तो ये होने के बाद ये हमारा एक ऐसा है ये है ये पिक्चर प्लांट्स का ऊपर में ये लीड है ये जो पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ ये ऊपर वाला इनका लीड है और यहाँ जो इंसेक्ट्स दौड़ के आते हैं ना ये सब इंसेक्ट्स ये इंसेक्ट जो दौड़ के आता है वो इस Uh, इस पिक्चर के ऊपर से जो इन, इस पिक्चर्स के अंदर जो uh, हमारा जो एक सिरप है उसके अंदर को वो अट्रैक्ट होता है उसके अंदर जो नेक्टार है ना उसे मीन्स uh, पीने के लिए वो इंसेक्ट चले आते हैं और वो इंसेक्ट को ऐसे करके अपने लीड जब एक इंसेक्ट उसका पिक्चर में अंदर चले जाता है तब ये लीड बंद हो जाता है और फिर वो ऐसे uh, और भी कुछ फर्दर डाइजेशन करता है उसका प्रोसेस जो आप बाद में सीखेंगे तो यहाँ ये पिक्चर प्लांट्स ऐसे एक जगह में मीन्स ग्रो करते हैं जहां न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल्स मतलब वहां जहां सॉइल्स में न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है ओके सो इट इज अ प्लांट विद डीप पिक्चर शेप्ड पाउच दैट कंटेन्स फ्लूड इंटू विच इंसेक्ट्स अट्रैक्टेड जैसे कहा था ये पिक्चर शेप्ड है ये तो पूरा पिक्चर है आप समझ ही गए होंगे जग शेप टाइप का और ये जो पिक्चर शेप्ड है ना इसके अंदर ये से एक सिरप है सिरप या नेक्टार है ये नेक्टार को देखकर इंसेक्ट्स बहुत अट्रैक्टेड होते हैं इसके स्मेल से तो इंसेक्ट्स तो प्राय नेक्टार ही पीते हैं तो ये उनके लिए खाना होता है तो जब वो लोग इसके अट्रैक्ट होकर आते हैं तब वो लोग इसके अंदर चले जाते हैं और जब भी वो अंदर चले जाते हैं वो जो लीड है वो बंद कर लेता है जान जाता है कि इंसेक्ट आ गया मेरा खाना आ गया है एंड वो फिर बंद कर देता है अपना मुँह एंड देन वो इंसेक्ट अभी बाहर नहीं निकल पाता और फिर उसके जो मीन्स वाल्स है ना वो बहुत स्लाइडी है तो इसलिए इंसेक्ट अब दौड़ भी नहीं सकता और फिर अपना प्लांट अपना काम करके उसे डाइजेस्ट करता है तो फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स है उस आ, उनके बॉडी में इंसेक्ट्स के बॉडीज में वो न्यूट्रिय आर ऑब्जर्व फ्रॉम देयर बॉडीज बाय द प्लांट ओके यहाँ मैं आपको पिक्चर प्लांट का फोटो भी दिखाती हूँ ये देखिए पिक्चर प्लांट ऐसे ही है ये सब देखिए पूरा पूरा पिक्चर शेप वाला प्लांट है और इसके अंदर जब ये जो लीड्स है ये सभी जो है ना ये लीड्स है और ये तो इनका पिक्चर है जब इंसेक्ट्स इसके अंदर आ चले जाते हैं इनका जो लीड है ये क्लोज हो जाता है और फिर उसका डाइजेशन होता है पिक्चर प्लांट के द्वारा अभी नेक्स्ट है वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट ये प्लांट में क्या होता है इन दिस प्लांट द लीव्स आर मॉडिफाइड इन टू अ ट्रैप लीव रुकिए अभी आपको इस पिक्चर में दिखाती हूँ ये है वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट ये प्लांट में लीव्स एक ट्रैप होते हैं कैसे होते हैं यहाँ लीव्स के दो हिस्से होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं जिसे लॉब्स कहा जाता है ये जो पिक्चर में देखिए ये एक लॉब है ये एक लॉब है ये फर्स्ट पार्ट लॉब है ये सेकेंड पार्ट लॉब है जो भी आप बोल सकते हैं यहाँ सिर्फ दो लॉब्स हैं टू लॉब्स ये जो है ना ये लॉब्स है ये देखिए दोनों ये दोनों लॉब्स हैं ये लॉब्स में ये फाइन हेयर है ये फाइन हेयर सैप प्रोड्यूस करते हैं तो ये देखिए ये सब जो देख सकते हैं ना ये ये कुछ हेयर्स देख सकते हैं ये सब हेयर्स ना वो मीन्स ये लॉब्स के पास है मीन्स लॉब्स के पूरे एज में है और ये क्या करते हैं वो सैप प्रोड्यूस करते हैं सो so, जब ये सैप प्रोड्यूस करते हैं तो इंसेक्ट जो होता है वो इस सैप के लिए अट्रैक्टेड हो जाता है मीन्स द अट्रैक्टेड ड्यू टू द सैप एंड एंटर्स द द द ट्रैप एंड डिस्टर्ब्स हेड इन तो जब वो एक इंसेक्ट आता है फिर क्या होता है ना वो इस सैप के मीन्स जैसे इसके अंदर भी एक नेक्टर टाइप चीज है तो ये जब आता है तो उसे बहुत अट्रैक्टिव होता है इसीलिए वो ट्रैप मतलब ना जानकर उसे लगता है ये खाना है तो मैं चले जाता हूँ फिर चले जाने के बाद जब ये यहां एंटर करता है ये जो अब इसके अंदर एंटर कर गया फिर उसके थोड़ा सा मूवमेंट होगा जब वो अंदर करेगा ना तो तब उसके हेयर में ये जो हेयर्स है इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होगा और ये डिस्टर्ब कर देगा हेयर जो लॉब है फिर ये लॉब को ट्रिगर करता है मतलब बोलता है कि खाना हमारा आ गया है तो अभी उसे डाइजेस्ट करने का प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा तो इसीलिए वो क्या होता है ना ये जब ट्रिगर कर देता है लॉब्स को बंद करने के लिए और फिर ये जो दो लॉब्स है ये बंद कर हो जाता है और जब ये बंद हो जाता है तो इंसेक्ट निकल नहीं सकता तो इंसेक्ट ना निकलने के कारण फिर उसे ऐसे एंट्रेपमेंट हो जाता है इनसेक्ट का और फिर फर्दर डाइजेशन होता है इंसेक्ट का ओके नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ब्लाडर वो प्लांट ये जो प्लांट्स होते हैं ये ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसीलिए ब्लाडर वो प्लांट कहा गया है ये ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स इंसेक्ट्स को फंसाते हैं मीन ट्रैप करते हैं ये देखिए यहां ब्लाडर वो प्लांट्स का एग्जाम्पल भी है ये देखिए

यहाँ या देखिए थोड़े-थोड़े से ये लाइक फ्लावर थोड़े से दिखते हैं तो इन फ्लावर्स में छोटे छोटे ओपेनियन है जैसे ये एक ओपनिंग है ये एक ओपनिंग है फिर ये भी एक ओपनिंग है यहाँ देखिए और इन ओपेनियंस में ना देखिए ये सब जो है ना ये सब हेड है ये देखिए ये सब जो है ना ये सब है ये देखिए सब हेज है तो ये स्मॉल स्मॉल ब्लाडर्स के अंदर स्मॉल ओपेनस है जिसके अंदर हेयर है एंड जब एक इंसेक्ट इज हेयर मीन्स ये सब मीन्स उसका भी शायद एक

Inse वो अपना इंसेक्ट गेट सक्ट इन टू द ब्लाडर एंड डायस्ट वो क्या करता है ना जो इंसेक्ट होता है ओपिनियन में वो फिर तो जब ये इंसेक्ट चला जाता है ना वो है ट्रिगर हो जाता है फिर इसका भी फर्दर डायजेस्टमेंट का प्रोसेस होता है सो so, ये सब uh, कुछ कुछ टाइप ऑफ लीव्स है जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए स्टोरेज के लिए ये सब लीव्स होते रहते हैं सो आई होप आज आप समझ मींस पाए हैं इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर टू लर्न अबाउट समथिंग न्यू टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग Bye bye.